प्रश्न उत्तर के माध्यम से आज के मुरली का मंथन और रिवीजन करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, शतोपधान और पारसपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा के बच्चे को क्या करना चाहिए, आज का प्रथम प्रश्न है। तो इसका बहुत सरल आज के मुरली से जो बाबा बताए हैं कि अगर हमें शतोपधान बनना है और पारसपुरी का मतलब स्वर्ग से है, सतयुग से है, अगर पारसपुरी के मालिक बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, तो हमें बहुत ही प्यार से बाबा को याद करना है, याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग बन जाएंगे? तो इसमें बाबा आज के मुरली से बता रहे हैं, अगर हम सब बाबा के बच्चे निर्माण चित्त होते हैं, अहंकार का त्याग करते हैं, बहुत ही मीठा बनते हैं, क्योंकि अहंकार के त्याग करना आवश्यक है। अहंकार होने से अनेक व्यक्ति दुश्मन बन जाते हैं, और इसके साथ साथ पवित्रता की धारणा भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पवित्र व्यक्ति के आगे ही अपवित्र व्यक्ति उनको माथा टेकते हैं, जैसे सन्यासियों के आगे सन्यासी लोग पवित्रता धारण करते हैं, इसलिए सभी व्यक्ति उनके आगे झुकते हैं, माथा टेकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मंदिर में विष्णु को चतुर्भुज दिखाते हैं क्यों? मंदिर में चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु देवता को दिखाया गया है, तो ऐसा क्यों? तो बाबा बता रहे हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीन लोक होते हैं, मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन में लक्ष्मी नारायण को कंबाइन दिखाया गया है, सूक्ष्म वतन में लक्ष्मी नारायण को कंबाइन दिखाया गया, और सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं होती है, आकारी दुनिया होता है, सृष्टि नहीं होती है। तो लक्ष्मी नारायण को इकट्ठा दिखाने के कारण विष्णु को चतुर्भुज दिखाया गया है, और हम सब ये भी जानते हैं कि उन्हें जो है चतुर्भुज के साथ साथ शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए दिखाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य है, शंख जो है वो ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है, चक्र जिसको बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराना, तो सुदर्शन चक्र जो भक्ति मार्ग में बताते हैं गला काटने वाला नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर जो उपस्थित विकार है उसको खत्म करना ही सुदर्शन चक्र का मतलब होता है। गदा के मतलब विकारों को दबाने की, और पद्म जो है न्यारे होने का प्रतीक है। तो इस तरह इसका एक आध्यात्मिक रहस्य। नेक्स्ट, माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है क्यों? तो हम सभी जानते हैं कि बाबा जो परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं, वो इस दुख धाम में विकारी सृष्टि छीछी दुनिया में आते हैं। क्यों आते हैं? हम सब बच्चों को इस विषय सागर से क्षीर सागर का मतलब सतयुग, स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो जो बाबा के बच्चे बाबा से किनारे कर लेते हैं, किसी कारणवश बाबा का हाथ छोड़ देते हैं,
बाबा के छत्र छाया से बाहर चले जाते हैं तो उनको माया रूपी किरा हप कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा अब हम सभी को सामरे से गोरा कैसे बनाते हैं? तो जैसा कि अभी हम बताएं कि ये दुखधाम जो है, छिछी दुनिया जो बाबा कहते हैं ना, ये छिछी दुनिया है, यहाँ सभी काम चिता पर बैठे हैं। तो बाबा अपने बच्चे को काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता पर रखते हैं। ज्ञान द्वारा जो है, ज्ञान की धारणा द्वारा, योग द्वारा सामरे से गोरे बनाते हैं बाबा। नेक्स्ट प्रश्न है, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वो राजयोग सिखला न सके क्यों? निवृत्ति वाले राजयोग नहीं सिखा सकते हैं क्यों? हम सभी जानते हैं कि कोई भी देहधारी, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, उसे ज्ञान के सागर के टाइटल नहीं दिया जा सकता। ज्ञान के सागर का टाइटल केवल और केवल शिव बाबा को दिया जाता है। इसी को अल्लाह, खुदा, ईश्वर, गॉड कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। तो ये राजयोग केवल बाबा ही सिखा सकते हैं, और राजयोग सिखाने के लिए ही इस संगम युग पर परम धाम से यहाँ दुख धाम में हम सब बच्चों के लिए आए हैं। नेक्स्ट, अपने आप तकदीर बनानी है कैसे? माने तकदीर हमें स्वयं ही बनानी है कैसे? तकदीर बनाने का जो है वो पढ़ाई से होता है। तकदीर जो हम पढ़ाई से बना सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न जो है, बीती को यादगार स्वरूप कैसे बनाएं? आज के इस स्लोगन से, वरदान से है, आज का वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर बाब। तो चूंकि कहा गया पास्ट इज पास्ट, तो पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प और समय को श्रेष्ठ विधि से पास्ट अगर हम करते हैं और उसे हम अपने स्मृति में लाते हैं, और तब अगर दिल से निकलता है वाह, तो वही यादगार स्वरूप बन जाता है। आज की मुरली का जो वीडियो है उसमें दो चीज़ें और ऐड किया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो आज का जो क्विज होता है वो मुरली क्विज आज का, और दूसरा याद की चार्ट और सेवा की चार्ट इसमें ऐड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसे देखकर और इसका बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। ओम शांति।